सभी शिक्षक मित्रों को पुनः एक बार मेरा YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के तहत विद्यालय स्तरीय जो कार्यक्रम चल रहा है उसी के रिगार्ड्स में मॉड्यूल नंबर 8 प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल्स, जिसका अर्थ हो जाता है अच्छी और स्वस्थ जीवन शैली को किस तरह से हम बढ़ावा दे सकते हैं, और उसी के रिगार्ड्स में कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, टिप्स हैं कि हम बच्चों को किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं। और ये मैसेंजर बच्चे जो भी हैं हमारे, ये हमारे विद्यालय की पूरी कम्युनिटी को बताएंगे कि किस तरह से अच्छे स्वस्थ जीवन शैली को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और उसी के पॉइंट्स में एवज में हमारे शंकर सर जो एज ए हेल्थ एम्बेसडर इन सारे मुख्य बिंदुओं को फोकस करेंगे हम सभी के बीच। मैं शंकर सर को और ये करता हूँ कि शंकर सर आप अपने क्लास को कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद सर। आज मॉड्यूल 8 में आज हम लोग प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल से संबंधित जानेंगे कि हमारे जीवन में यह कितना इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे बीच में हमारे स्वास्थ्य एवं आरोग्य बच्चे हैं जो हमारे विद्यालय के अन्य बच्चों को ये जानकारी प्रदान करेंगे, तो उसी से संबंधित है। कहा जाता है कि हेल्थ इज आवर रियल वेल्थ, स्वास्थ्य ही हमारा सच्चा धन है, और यह इसलिए है कि अगर हम स्वस्थ हैं तभी आज हम कुछ बोल पा रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं, बच्चे आज मन मस्ती से सीख रहे हैं, और जब कुछ पढ़ते हैं तो आगे चल करके उनके मस्तिष्क में अच्छी तरह से समझ पाते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो तो कहीं ना कहीं हम इससे वंचित रह जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल में कौन ऐसी सारी बातें हैं, अच्छी आदतें हैं जो हम लोग को हेल्दी लाइफस्टाइल में रखता है। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों जल्दी उठना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्योदय जो हमारा होता है तो अलग अलग मौसम में अलग अलग टाइमिंग होता है। देखिए एक उठने का टाइम टेबल होना चाहिए, और आप सभी छात्र जीवन में हैं तो आप लोग भी हैं, और जो विद्यार्थी का जीवन हो तपस्या का जीवन है, कहीं ना कहीं आपको हार्डवर्क मेहनत करना होता है, तो इसलिए आपकी डेली रूटीन में सबसे पहले है जल्दी उठना। क्या है? जल्दी उठना। आप बेड को 3-4 सुबह एक टाइम टेबल के अनुसार उसको बना दे, आपको इस टाइम में उठना ही है। और इससे क्या होगा कि आप कोई दैनिक कार्य या कोई विषय वस्तु आप पढ़ सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो उस समय हम लोग को अधिक से अधिक जो आज करने वाला विषय है उसको पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है शांत माहौल में हम लोग बहुत अच्छे तरह से मस्ती में जो चीजें बातें पढ़ते हैं उसको आधार से रहते हैं हम। आगे है दूसरा पॉइंट क्या बच्चों, खूब पानी पिए। क्या है? खूब पानी पिए। खूब पानी मतलब है कि 4 से 5 लीटर। लेकिन आप दैनिक जीवन में एक रूटीन बना लें कि जब आप सुबह सबसे पहले सो के उठे तो आप 1-2 गिलास पानी अवश्य रूप से पीना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक है, और 4 से 5 लीटर अगर पानी हम लोग पिएंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारे रोगों से बच पाएंगे। इसलिए सारे बच्चों को हमारी भाग दौड़ जिंदगी में क्या है कि हम अपना स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाते हैं, जो कहीं ना कहीं आगे चलकर के हमें बहुत सारी परेशानियां होती है। ये छोटी छोटी जो टिप्स है, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल को रखने में आवश्यक है कि पानी को आप अधिक से अधिक कितना पानी पीना है तो
चार से पांच लीटर और ये हमारे बॉडी को एनर्जी को ताकत देती है। अगला तीसरा पॉइंट क्या है? टहलने जाए। टहलने जाए हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, वही है सुबह 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 या शाम आपको जब समय मिल रहा था एक घंटा टहले, इससे क्या होगा दिन भर हमारे शरीर क्या फुर्तीली रहती है, थकान नहीं होती है, हम उसके लिए तैयार रहते हैं। और टहलने से जहाँ खुली हवा है वहाँ भी आनंद लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बंद घरों में रहते हैं तो वहाँ ये परेशानियां हो सकती है, लेकिन जब हम खुले आसमान में निकलते तो हमारा शरीर क्या स्वस्थ रहता है। अब चौथा पॉइंट क्या है? हमारे जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व है ना, क्या क्या पोषक तत्व है, एक संतुलित आहार लेना चाहिए बच्चों सबको। अब वो संतुलित आहार क्या क्या लेंगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी लेना होगा, प्रोटीन भी लेना होगा, वसा भी लेना होगा, नमक भी लेना होगा, इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। तो अब क्या है कि हम लोग को कार्बोहाइड्रेट जो है से किन किन चीजों से मिलता है, बाजरा हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, उसी तरह हम लोग को विटामिन डी लेना है। तो विटामिन के तहत बहुत सारे चीजों में पोषक तत्व है, अब जैसे हम लोग गाजर खा रहे हैं या पालक खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, तो क्या है हम लोग का कौन सा विटामिन ए का स्रोत है। तो चौथा पॉइंट में अधिक साग है, क्या अधिक साग, और अधिक साग में अगर सहजन का फूल हो तो उसमें क्या है ना 5-6 गुना कैल्शियम, सारे पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट सब चीजें उसमें है, इसीलिए कोशिश करना चाहिए। और हमारा झारखंड में भी गाइडलाइंस है सरकार के द्वारा कि आप बच्चों को एमडीएम में एक दिन सहजन का फूल या सहजन का साग भी दे सकते हैं। तो साग का सेवन हम लोग को अधिक से अधिक करनी चाहिए, चाहे जिस प्रकार का साग हो, चाहे पालक हो, चाहे वो सहजन का हो, और कौन सा साग है, चाहे वो सरसों का हो, है ना। आगे है पांचवा पॉइंट, कुछ पढ़ना शुरू करें, ये अच्छी आदत है और ये हमारे लिए क्या है शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करता है। क्या पढ़ाई, पढ़ाई एक ऐसा क्षेत्र है, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है कि आप किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। तो वो क्या है शिक्षा, शिक्षा ये आपको क्या करेगा आगे बढ़ाएगा, इसलिए पढ़ना ये हम लोग को अच्छी हैबिट है कि कुछ किताबें जो हम लोग को पढ़ना, उससे क्या शारीरिक और मानसिक दोनों कसरत हो जाती है। आगे है सिक्स नंबर में क्या है, अपने भोजन का आनंद लेने के लिए समय निकाले। आज की भाग और जिंदगी में क्या है कि हम लोग को भोजन करने के लिए भी समय नहीं, लेकिन भोजन क्या चलते चलते कुछ जगह क्या होता है लोग समय नहीं तो चलते चलते खाना खाते हैं, तो क्या ये सही है, नहीं। एकाग्र होकर के शांत जगह पे हम लोग को भोजन का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भोजन ले रहे हैं तो क्या हमें उससे ऊर्जा प्रोटीन मिल रही, अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो क्या हम लोग पढ़ाई कर पाएंगे या कोई काम कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों को ये चाहिए कि भोजन का आनंद लेने के लिए क्या करें समय थोड़ा सा निकालें और एकाग्र होकर के हम भोजन ग्रहण करें। आगे है सातवां पॉइंट क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण है क्या है कि जो भोजन हम ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं तो वो क्या है कि अगर पूरा टुकड़ा अंदर ये होगा तो पाचन क्रिया में दिक्कत होगी, चावल अगर खाएंगे तो पाचन क्रिया में दिक्कत होगी, बहुत सारी परेशानियां होगी, लेकिन उसी भोजन को अगर हम चबा कर धीरे धीरे खाएंगे तो क्या पाचन शक्ति अच्छे से होगी और हम लोग का जो इम्यूनिटी पावर है या फिर जो हम लोग शक्ति मिलता है वो क्या पूरे बॉडी में हम लोग का काम करेगा और कहीं ना कहीं हम लोग की पाचन शक्ति क्या है अच्छी तरह से रहेगी।
और कहीं हम लोग को कोई परेशानी नहीं हो सकती है। इसलिए आप जब भी भोजन करें तो हमेशा पूरा चबा करके, और लार जो रहती है उसको क्या करता है, निदाने का ये कार्य करती है, और जिससे हमारा भोजन क्या आराम से पचता है और कोई दिक्कत साइड इफेक्ट नहीं होता है। आगे आत्मा क्या है, ग्रीन टी के साथ अपने कॉफी की अदला बदली करें। ऐसे तो हम लोग को तो चाय तो नहीं पीना है, लेकिन जो वयस्क व्यक्ति है तो उनके लिए क्या है कि जो चाय पीते तो ग्रीन टी के साथ कॉफी। देखिए कॉफी में क्या रहता है बताइए, कॉफी में कुछ चीजें रहती है क्या बोलिए बोलिए। चाय चाय ठीक है, लेकिन कॉफी में हम लोग को कम सेवन करना चाहिए, चाय और कॉफी है ना। इससे क्या होगा, हम लोग का शुगर का भी जो लेवल या शुगर संबंधित जो बीमारियां होती है वो भी नहीं होगी, तो इसका अवॉइड हम लोग को करना चाहिए है ना, कि इसका सेवन कम से कम। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो है हम लोग को धूम्रपान ना करना, धूम्रपान ना करना, किसी प्रकार का धूम्रपान, चाहे वो सिगरेट हो, गुटखा हो, या तंबाकू हो, या शराब, इन सारी चीजें से हमारा क्या होगा, शरीर पे दुष्प्रभाव होगा। जैसे आप शराब का सेवन करते हैं हमारी लीवर की प्रॉब्लम होती है, ठीक उसी प्रकार से गुटखा का और खैनी का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा त्वचा जो अंदर है या कैंसर संबंधित बीमारियां हो सकती है। और जो हम लोग सिगरेट या बीड़ी का जो धूम्रपान करते हैं उससे क्या फेफड़े में परेशानी आती है, और आए दिन धूम्रपान से शराब के सेवन से कितने लोगों की जानें चली जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि कितना परिवार उससे क्या हो जाता है, उजड़ जाता है। आप समझो कि कोई परिवार के सदस्य अगर कोई शराब का या गुटखा का सेवन कर रहे हैं, वो पैसा उसमें बर्बाद कर रहे हैं, उस पैसे को अगर अपने बच्चों के प्रति वो कॉपी किताब या किसी और चीज में जरूरत सामान में इस्तेमाल करेंगे तो वो परिवार अच्छा रहेगा कि नहीं, उसके बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग को क्या है, एक समाज में मैसेज भी देना है कि आप शराब गुटखा इन सब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, गुटखा खैनी तंबाकू ये सब का बिल्कुल नहीं, तब आप क्या होंगे, एक अच्छी आदतें होंगे और आपका प्रमोशन और लाइफ स्टाइल में इन सारी बातों को ध्यान रखना है। और जब इन सारी बातों को हम ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम क्या रहेंगे, ठीक रहेंगे, और जब फिट रहेंगे तभी क्या होंगे, तो इसीलिए हमारे लिए ये अति आवश्यक है कि इन सारे चीजों को टिप्स को हम लोग अच्छी आदतें में इसको शामिल करें, जिससे हम लोग का लाइफ स्टाइल अच्छी तरह से बीते, हम स्वस्थ रहें तभी आगे ठीक रहें। चलिए धन्यवाद आप सभी बच्चों को, साथ ही साथ हमारे शंकर सर जी को भी, कि हेल्दी लाइफ स्टाइल्स, प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल्स में किन किन बातों को उजागर किया गया है, हम सभी शिक्षक के साथ साथ सभी बच्चे इसका अनुपालन करेंगे, और साथ ही साथ ये मैसेज हम अपने विद्यालय बच्चों के साथ साथ अपने नज़दीकी समुदाय और प्रतिवेशी माता पिता अभिभावकों के बीच में भी इसे रखेंगे, ताकि हम स्वस्थ बने रहेंगे, एक स्वस्थ झारखंड का निर्माण होगा। ठीक है, धन्यवाद, ओके।